Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. Once again, I am back at the O-Fish Aquarium located at Nehru East in Navi Mumbai. And today, again, we are showing you another interesting and unique content. पिछले बार हमने आपको पहली बार इंडिया में फ्लाई रिवर टर्टल और ब्लैक एशियन अरवाना दिखाया था सबसे पहले एट O-Fish Aquarium. सो ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. So presenting before you the new monster tank at the O-Fish Aquarium. So here it is. यह है O-Fish Aquarium में हाल ही में बनाया हुआ एक बेहद माइंड ब्लोइंग मॉन्स्टर फिश टैंक विथ ऑल द मेजेस्टिक ग्रेसफुल मॉन्स्टर्स. आई विल ग्लो लिटिल क्लोजर सो दैट आपको ये सारे मॉन्स्टर्स दिखाई दे. सो लुक एट द टैंक साइज एंड फिशेस की साइज भी देखिए कितनी बड़ी है. एंड ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि फॉरेन में सेटअप करी है टैंक, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया में सेटअप की है. बिकॉज जिस तरह से इस टैंक को बनाया है ओवरऑल सेटअप एंड द वे फिशेस को ऐड किया है अलग अलग टाइप्स के. सो दिस वन इज अगेन गोइंग टू बी एन ऑसम इंटरेस्टिंग वीडियो. सो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सी फिश सबसे ज़्यादा पसंद आई. हमारे साथ है O-Fish Aquarium के ओनर मिस्टर दीपेश पांचाल. हाय दीपेश भाई, कैसे हो आप? एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस अमेजिंग मेजेस्टिक मॉन्स्टर फिश टैंक. बेहद आकर्षक है, इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ इसको देख कर. एंड वाकई मैं कहना चाहूँगा पिछली बार जब आपने फ्लाई रिवर टर्टल एंड ब्लैक एशियन अरवाना दिखाया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तब हमारे बहुत सारे व्यूवर्स खुश हुए थे और कितने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था. तो यू हैव ऑलरेडी लेवल्ड अप एंड एक स्टैंडर्ड आपने O-Fish Aquarium का रखा है. तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि अगेन आपने कुछ अलग कुछ हटके किया है. ओवर टू यू नाउ. डेफिनेटली हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं. उसमें से ये अभी ऑलमोस्ट ये 3 से 4 महीने से हम लोग इसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे थे टैंक बनाने के लिए. लेंथ ऑफ द टैंक इज 7 फीट, उसका हाइट है 2 फुट और उसका डेप्थ है उसका 2.5 फीट. और ये पूरा जो भी टैंक्स है ये एक्स्ट्रा क्लियर में हम लोग ने बनाया है. इसका सम फिल्ट्रेशन भी है. इसका नीचे हम लोग देख सकते हैं ये टेबल के अंदर उसका 5 फीट का सम्प है, प्लस इसके अंदर कैनिस्टर भी लगाया है. और ये जो भी फिशेस है पूरा फुल वाइट टैंक के अंदर मुझे चाहिए था, तो उसके अंदर ये टैंक पूरा आप देख सकते हो मॉन्स्टर फिश उसके अंदर हम लोग भी ऐड किया है. एंड बेसिकली इसके अंदर अभी जैसे देख सकते हो हम लोग का जो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है सुपर रेड अरवानास, वो मैंने इसके अंदर एक ट्रायो में ऐड किया है. इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो सेंटर में एक वो सेंटर में एक पीस है. हाँ एग्जैक्टली ये एक पीस जो सबका ऑलमोस्ट नोन फिश है, दिस इज कैनू फार्म चिली सुपर डरवाना. और ये देख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली ये 20 इंचेस का फिश है फिलहाल. उसके बाद ये नीचे से ये जो फिश है अभी दिस इज इंडोनेशियन सुपर डेफर स्पेशल एनाटॉमी फिशेस है. इसका भी साइज अराउंड 2 फीट प्लस है. ये दिस इज बिगर फिश और एग्जैक्टली उसके ऊपर जो अभी देख सकते हैं लेफ्ट में दैट इज ऑल्सो इंडोनेशियन सुपर रेड F5 ग्रेड. इट्स ऑल्सो 2.5 2 फीट अप्रोक्सीमेटली. अच्छा ये दोनों साथ में घूम रहे और इनकी टेल थोड़ी से मुझे कटी दिख रही है. यस डेफिनेटली जैसे जैसे आपको मालूम रहेगा कि दिस 3 फिशेस इन माय शॉप अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने से एक साथ ही ट्रायो सेट था वो. बट दिस आफ्टर दिस फेब्रुआरी दिस स्टार्टेड एक्चुअली शोइंग द मैच्योरिटी पेयरिंग का, जैसे हम लोग बोलते हैं मेटिंग का जो सिनेरियोज है उनका वो शो कर रहे हैं. उसके वजह से उसके अंदर मेन जो अट्रैक्शन था दे स्टार्ट रबिंग इच अदर एंड स्टार्ट बाइटिंग द टेल्स. तो आप देख सकते हो ट्रायल में से चिली सुपर को किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया, बट दिस टू द इंडोनेशियन सुपर F5 इज स्टार्टिंग शोइंग द पैर के जो इंडिकेशंस है वो शो कर रहे हैं. इसके लिए इसका जो टेल है दैट इज बिटन. तो ये पेयर्ड अप हो चुके हैं. यस और इसका हम लोग वीडियोस भी बताएंगे. दीज आर माई ये जो फिशेस है देख सकते हो इसको नॉन टैन है बेसिकली. अच्छा मैंने इसको सिर्फ ऐसा है कि कम्युनिटी के अंदर उनको सेट करना था इसलिए टैन नहीं किया उनका. आप देख सकते हो क्लोजअप से दे आर ऑलमोस्ट फुल्ली क्रॉस्ड एंड वेरी गुड स्केलिंग फिशेस. इसको हम लोग टैन करेंगे तो डेफिनेटली दिस कैन गेट ब्लॉकर सुपर हिट, बट हम लोग ने इसको टैन नहीं किया बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी फिश टैंक. एग्जैक्टली. और उसके बाद टैंक का शो स्टॉपर ये जो पीछे बड़ा बिग शो साइज का फिश है ये कौन सा है? डेफिनेटली एज यू कॉट द परफेक्ट थिंग दिस इज कॉल्ड एज अ सियामीज पुलचर. ओह यस
जैसे अभी इसका साइज आप देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इट इज 20 इंच. एग्जैक्टली 20 इंचेस, मतलब ये इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स आपको अभी प्रोवाइड करते हैं. जैसे ये सियामीस पल्चर इसको कहा जाता है, दिस इज 20 इंचेस. अगर आप इसको क्लोजअप भी देखोगे, इसका बैंड देखे कि जो बैंड दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका टू बैंड जो आपको दिखता है सेंटर पे, और इसका आप बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर इतने बड़े एडनॉइड तो एग्जिस्ट करते हैं, 18 इंचेस 19 इंचेस, बट 20 इंचेस मतलब बहुत ही ज्यादा ये ह्यूज है. एग्जैक्टली exactly. और इसका डिटेल्स मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि सियामीस पल्चर जैसे आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, इसका हम लोग नेक्स्ट टाइम आपको डेफिनेटली वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे. मस्त मॉन्स्टर्स में बेहद एक्सोटिक कलेक्शन ऐड किया है, एंड डेफिनेटली ये जो सीएमएस फिश है ये तो चार चांद लगा रही है पूरे टैंक को. डेफिनेटली एसजे देखिए इसको कैसा है, दिस इज अ वेरी यूनिक, मतलब ऐसा बोल सकते हो दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट रेयरेस्ट फिश फ्रॉम माय शॉप. ओ और ये ऐसा है कि नॉर्मल देखो आप डेट नॉट्स, हम लोगों ने भी दिखाया कि डेट नॉट्स के अंदर बैंड हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया जी, इसका ओरिजिन ये बहुत मैटर करता है. एंड इंडिया में अभी डेट नॉट्स का ट्रेंड आ रहा है, और डेटनॉइड्स का जो एक्चुअल किंग है दैट इज एवरीबॉडी नोज दिस सियामीस पल्चर, राइट. और इसका आइडेंटिफिकेशन अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो मैं आपको दो तीन चीजें यहां पे आपको बोलता हूँ. अगर आप देख सकते हो इसका प्रॉपरली, इसका है ये देखिए, मीन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर का बैंड है जी, दैट शुड बी लाइक अ कटाना. कटाना इन द सेंस जो बेली तक उसका जो आता है, दैट शुड बी अ पॉइंटेड थिंग, पॉइंटेड बैंड जो देख सकते हो यहाँ पे. ओके एंड उसके बाद जो सेकेंड आप बोल सकते हो उसका कि मेन कैसे मालूम है, उसका जो थर्ड जो सेकेंड है, सेकेंड आप जो बोल सकते हो सेकेंड जो सेकेंड बार है यहाँ पे, वो एनल फिन के यहाँ पे स्टॉप हो जाता है सियामीस पल्चर के अंदर. अगर वो इंडोनेशियन जो बोर्नियो जैसे डैटनॉइड्स आते हैं उसके अंदर अगर वो रहेगा तो उसका जो जो थर्ड जो सेकेंड बैंड है ना, इट विल बी ओवर द एनल फिन, राइट. तो वो क्या हो जाता है, इट्स लाइक अ कर्व, जहाँ पे स्टॉप हो जाता है थर्ड सेकेंड बैंड, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, yes. वहाँ पे स्टॉप हो जाता है ना, वहाँ पे वो एनल फिन के अंदर पूरा आ जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली हाईलाइटेड है वो, इट इज स्टॉप्ड, एनल फिन के पहले ही वो स्टॉप हो गया. एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज द शेप, आप इसका शेप देख सकते हो, इट इज फुल्ली चंकी एंड वेरी थिक फिश. नॉर्मली वैसा उसका सिमेट्रिकल शेप नहीं होता नॉर्मली. और मैंने एक फोर्थ पॉइंट बोल सकते हो कि दैट इज उसका, एज आप नोटिस करिए उसका फोरहेड, राइट. बिकॉज नॉर्मली डेटनॉइड्स के अंदर उसका साइड का जो भी कलर है जी, और उसका फोरहेड का जो बैंड आता है ऊपर से, देर इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कलर्स. एटलीस्ट इट विल बी फेडेड कलर, फेडेड होता है, और साइड का जो बॉडी है दैट विल बी डार्क. बट यहाँ पे देख सकते हो सियामीस पल्चर के अंदर होल बॉडी इज अ सेम कलर, मतलब फोरहेड के ऊपर उसका सेकंड कलर नहीं होता, कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, इट इज सेम कलर एज द बॉडी. बॉडी के ऊपर जो होता है वही उसका मेन कलर, उसको आपको दिख सकते हो. और मेन सबसे इम्पोर्टेंट एंड कॉन्ट्रोवर्सियल जो टॉपिक होता है, जैसे हम लोग भी देखा है एज वी परचेज थिंग्स दैट वी कम टू नो कि हाँ इसका ये एवोल्यूशन होता है, कि जैसे डेटनॉइड्स के अंदर देखा रहेगा कि बैंड वो हाईलाइट नहीं करता कभी भी, right. जैसे हम लोग बोलते हो सर बैंड अगर फिश अगर स्ट्रेस में मूड yes. में नहीं है, ठीक है, जैसे हम लोग मूडी फिश बोलते हैं उसको डेटनॉइड्स को बहुत, बिकॉज वो कभी ब्लैक होता है तो उसका बैंड प्रॉपरली दिखता नहीं. बट आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दिस सियामीस पल्चर इज नेवर फेडेड इट्स बैंड. मतलब ऐसा है कि जहां से मैंने इसको थाईलैंड से इम्पोर्ट किया था, बिकॉज दीज आर हाईली फाउंड इन थाईलैंड मेकोंग रिवर, और मेकोंग रिवर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट होता है उसको से दे आर ऑलमोस्ट इंस्टिंक्ट फिशेस. और मेन इसका साइज कैसा देख सकते हो, 20 इंचेस डेट नॉट्स के अंदर पल्चर जैसे हम लोग कहते हैं बेसिकली, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और क्वेश्चनेबल थिंग होता है, दीज आर वेरी हाईली एपेटेट फिशेस. इसका एपेटाइट देखोगे ना, दे कैन लिटरली ईट 4 to 5 inches का गोल्ड फिश, 4 to 5 दिन में खा लेगा फिर भी भूखा रहता है. विल शो यू, वो भी हम लोग दिखाएंगे. बट डेफिनेटली ऐसा है कि ये डेटनॉइड्स ऐसे है ना कि आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी हॉबीस्ट फिश सेलर अगर 2 inch का डेटनॉइड रखता है, वो 1 साल के अंदर उन्होंने देखा रहेगा इट विल बी हार्डली 3.5 एक से 1.5 inch बढ़ता है वो, बिकॉज दैट इज मोस्ट मतलब एक अमेजिंग एंड मेसमराइजिंग थिंग है कि इतना खाने के बावजूद भी फिश का स्लो ग्रोथ, इतना एक मतलब एक्साइटमेंट अलग ही होता है कि ऐसा कैसा फिश है कि बढ़ता ही नहीं है ज्यादा करके. दैट इज नेचुरल, मतलब क्वेश्चन होता है ऑब्वियसली बढ़ता क्यों नहीं, बट दैट इज द थिंग दैट नेचुरल उनका बहुत स्लो ग्रोथ है. और जितना जो ये फिश लाने के पहले मैंने ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने ऑलमोस्ट स्टडी किया कि एग्जैक्टली ये फिश क्या है, वो है एग्जैक्टली स्टडी करने के बाद लेके आए हम लोग. और ये करंटली आई कैन से दैट इट इज अराउंड
मैच्योरिटी एज ऑफ 35 to 40 years, 35 से 40 साल का इसका एज है एंड ही इज स्टिल रॉकिंग. और मेन उसका देख सकते हो समटाइम्स डेड नोट ऐसा होता है ना कि सामने से फेस से ना फेस से बेंड करता है टूवर्ड्स दी बॉटम, लेकिन दिस डेड नोट इज ऑलवेज स्ट्रेट प्रॉपरली शेप में ही रहेगा बिकॉज दिस इज नॉट डैमेज पीस. प्रॉपरली जो बोलते हैं लग्जरी थिंग होता है जी जी कलेक्टेबल मास्टर पीस, दिस इज काइंड ऑफ माई फिश मास्टर पीस जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो एग्जैक्टली फिश है. एंड मैं इसका हम लोग आपको सीधे हमारे हॉबीज को हम लोग ये भी दिखाएंगे कि वाई इट इज, जैसे मैंने आपको ओरली बताया कि कभी भी इसने अभी तक जितना टाइम मेरे पास इट इज नॉट विद मी फॉर ऑलमोस्ट 13-14 days, ऐसा नहीं इट इज फॉर बहुत लंबे टाइम से मेरे पास, लेकिन मैंने उसको कभी डिस्क्लोज नहीं किया बिकॉज आई एम एंजॉइंग माई टाइम विद हिम. तो उसके लिए अभी जो हम लोग ये मॉन्स्टर टैंक के अंदर हम लोग शो करना चाहते हैं तो ये मैंने दिखा दिया अभी आपको इसका. हम लोग ट्राई कर जैसे हम लोग लास्ट टाइम अरवनास का दिखाए थे कि बिफोर परचेज फ्रॉम थाईलैंड हाउ इट वॉज केप्ट what it was fed. Yes. उसके बाद wild transportation bags के अंदर because bags के अंदर कैसा था इधर आने के बाद इंडिया में लैंड होने के बाद it almost everybody knows it takes more than 15 hours right. 12 to 15 hours plus रहता है. और आप देख ही सकते हो जिम में आपको आप question भी करना चाहता हूँ देख सकते हो जितना बड़ा detonate होता है ना it is very risky to transport. Exactly true that. Because कैसा है उसका जो sharpen उसका जो fins होते हैं ना it can literally damage anybody hand also. Right. But वो intentionally damage नहीं करता it is just उनका एक होता है safer side होता है उनका एक natural thing है. Then उनका जो erected fins है ना it can literally tear down any fish bags. Right. तो मेन इम्पोर्टेंट चैलेंज वही था कि इसको प्रॉपरली सेफली यहाँ पे इंडिया में लैंड करा. Okay. लैंड कराने के बाद यहाँ पे इसके पास सेटल होना चाहिए वाटर्स में फीड लेना चाहिए प्रॉपरली. एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपको प्राउडली इसका वीडियोस जो भी है बिफोर कमिंग टू इंडिया वाइल कमिंग टू इंडिया आफ्टर लैंडिंग इन इंडिया मेरे शॉप में आने के बाद उसका क्या कलर था लिटरली इट वॉज मेस्मराइजिंग. एट रात को हम लोग 2 से 3 बजे भी हम लोग हमारा नींद उड़ गया था हम लोग ने देखने बिकॉज देयर वाज थिंग इट कैन बी सर्वाइव मतलब लाइव आएगा या नहीं आएगा बिकॉज वी गेव देम लिटरली अ होल बॉक्स के अंदर हम लोग ने एक ही ये फिश मंगवाया था एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग रिस्क था पूरा कि अगर आता है तो ठीक है बिकॉज नोबडी एवरीबडी नोज दैट व्हाइल इंपोर्टिंग द फिशेस यू डोंट गेट एनी लाइव ओनर ऑफ अ गारंटी लाइक वी प्रोवाइड टू द आवर कस्टमर्स. इंडियन हॉबीस्ट यहाँ पे ऐसा है ना कि इंडियन जो भी सेलर्स है ना दे गेव मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स लाइव ओनर ऑफ गारंटी बट हम लोग को कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता दैट इज अवर रिस्क. राइट. तो ये आया इसका जर्नी मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड हॉबीज के लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ओकेजन था गेटिंग दिस सियामी स्पल्चर इन माय शॉप इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कैन शो एवरीबडी दैट यस वी हैव दिस फिश एंड वी आर ग्रोइंग ईच एंड एवरी स्टेप्स. यस हम लोग हर बार आपको हर एक कस्टमर्स को ऐसे ऐसे चीजें दिखाते जाएंगे कि जो ऐसा सेटअप देखने के हम लोगों को लगता है मेनी ऑफ टाइम ऐसे लगा लोगों को ये सेटअप यहाँ पे नहीं है न्यू बॉम्बे में नहीं है मेरे पास नहीं है. एग्जैक्टली ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी आर देयर कि हम लोग के पास शॉप में आइए वीडियो कॉल पे करिए या फिर आपको वीडियोस पूछने से अच्छा आप सामने से देखोगे तो ये नेक्स्ट लेवल फिशेस दिखता है बिकॉज अलग ही चार्म है इसका जी बिकॉज सेलिंग इज डिफरेंट थिंग एंड ओनिंग एंड सेलिंग इज डिफरेंट थिंग. राइट. And seriously, very interesting information shared, and this is truly an incredible fish. And और एक चीज़ highlight करना चाहूँगा, इसका body का जो color है, वो इसके pelvic fin पर भी आया है. And this is a true thing कि नवी मुंबई में सिर्फ और सिर्फ ओफिश में ही इतना बड़ा monster tank आपको देखने को मिलेगा और इतने सारी monster varieties आपको देखने को मिलेगी. Alright, दीपेश भाई, next fish कौन सी आप दिखाओगे? Next fish आप देख सकते हो center में ही है. That is spatula. Spotted gar. Oh. This is also a pair. Okay. हाँ. अब देख सकते हो this is properly shaped बहुत ही chunky fish है. Yes. And that is a female. Oh. And right में आप देख सकते हो that is a male. The bright in color है that is a male. Oh. This is also properly settled pair. Short body जैसा दिखता है but है नहीं वो properly शॉर्ट नोज जैसे स्पैटुला बोलते हैं हम लोग वही फिश है वो. Yes. Honestly इसकी appearance के बारे में बात करूंगा कि तो कितने शार्प इसके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं स्पॉट्स आप देख सकते हैं कितने प्रोमिनेंट है बेसिकली एज दिस इज अंडरवैल्यूड फिश बेसिकली मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली जो स्पॉटेड गार है दिस इज अंडरवैल्यूड फिश बहुत ही ब्यूटीफुल है जी बट उसको किसी ने अट्रैक्शन दिया है राइट वहां से वो एक फिश है. उसके बाद आप लेफ्ट में देख सकते हो अल्बाइनो ये है अपना सिल्वर अरवाना. ओके अल्बाइनो सिल्वर अरवाना दैट इज आल्सो 2 feet रेड आईज. ओके
नो ड्रोपाइन, नो पीएलजे, नथिंग, प्रॉपरली क्लीन फिश. ओके, वो एक ऐसा है कि व्हाइट टैंक के अंदर वो मिल्की व्हाइट जो शेप उसका दिखता है ना जी, दैट इज नेक्स्ट लेवल. बट आई ट्रूली होप कि ये फिशेस भी हॉबी में बहुत लोग इनको भी मतलब रखे, और बिकॉज इनकी भी जो ब्यूटी है वो ऑन नेक्स्ट लेवल है. बिकॉज आई गो लिटिल क्लोजर ताकि आप देख सको क्या खूबसूरती से इनके ऊपर स्पॉट्स आए हुए हैं. एंड दिस इज ट्रूली डैम अट्रैक्टिव फिश, राइट? तो ये रही विशाल अल्बाइनो अरवाना, बहुत बेहद बड़ी साइज की भी है. Yes, that is 2 feet. Yes. Now we'll talk about मॉन्स्टर लवर्स की. ये देखिए क्या नज़ारा मिला हमको. सो ये रहा मॉन्स्टर फिश कीपर्स और मॉन्स्टर फिश लवर्स का नंबर वन फेवरेट फिश. बहुत से लोगों को पसंद है और बहुत बड़ा होता है रिवर मॉन्स्टर्स में. हमने कई बार इसको देखा था. मेरे को भी बहुत ये फिश पसंद है. एंड जब भी इस फिश को हम देखते तो ओ ये फिश है इस टैंक के अंदर, ऐसा रिएक्शन आता है. तो इस फिश का नाम भाई आपसे जानना चाहूंगा मैं. डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड एज अरापाइमस गिगास. ओ अरापाइमा, अरब जब मॉन्स्टर फिश का नाम आता है, विदाउट अरापाइमा इट इज नॉट अ कंप्लीट मॉन्स्टर फिश, राइट? बिकॉज इट इज नॉट मोस्टली मोस्ट एक्सपेंसिव फिशेस, बट इट इज लाइक इसका जो शेप, इसका लेंथ, इसका एग्रेशन, एंड बेसिकली ऐसा बोलता है सब ये पूरा टैंक के अंदर सबको हिलाने वाला फिश यही है. ओ यस, लिटरली कोई भी शांत रहेगा उसके पास छेड़ के उसको सबको जगा देता है वैसा ही फिश. एंड आप मुझे आप नॉर्मली देखिए ना, ये फिश नहीं लगता एक्चुअली. इट्स लुक एक्चुअली लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर. यस एग्जैक्टली. और जहां पे मैं चाहता हूँ कि ये फिश मेरे पास 10 फुट तक या फिर 8 फुट तक बड़ा हो, तो मैं उसको डेफिनेटली वैसा टैंक में उसको कल्चर भी दूंगा उसको, कि मैं वहां पे उसको ग्रूम कर उसको प्रॉपरली उसको मेंटेन कर पाऊ. जी अभी ये कितना फीट का है? ये अभी 17-18 इंचेस का है. यहाँ पे सब जो भी फिशेस आप यहाँ ये टैंक के अंदर देखते हो ना, जी सबसे स्मॉलेस्ट दैट इज दिस पैरट. ओके, सबसे पहला फिश जो था साइक्लिंग के लिए जो मैं ऐड किया था, दैट वाज दिस फिश. बिकॉज कैसा पैरेट है ना, कलर बहुत ही अच्छे से फेड कर देता, अच्छे से मतलब उसका काम ही है, कलर रेड का पूरा व्हाइट होता था, राइट? उसके लिए मैंने कलर उसके अंदर पैरेट ऐड किया था. तो मतलब पानी उसका प्रॉपरली साइकिल्ड है कि नहीं वो देखने के लिए. अच्छा, कि वो फिश कैसा ग्रूम होता है, तो वो देखने के लिए मैंने पैरेट ऐड किया. ओके, यहाँ पर एक बेहद इंटरेस्टिंग और कम देखे जाने वाली फिश है सामने की तरफ घूम रही है बड़ी अच्छे से. ये कौन सी है? दैट इज गोल्डन डोराडो. ये अमेजोन का एक बहुत ही सुपर मॉन्स्टर फिश है ये. ये जब ऐसा है कि हार्डली इंडिया में 10 से 15 इंच का कोई फिश रहेगा. अच्छा, रहेंगे डेफिनेटली, बिकॉज दिस हार्डली 1 से 2 साल के अंदर ये आना चालू हो गया. बट दिस इज इसका भी डेफिनेट मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा ड्रीम है लिटरली कि आई वांट टू कीप स्पेसिफिक टैंक्स, इंडिविजुअल टैंक्स ऑफ डेटनोइड्स, इंडिविजुअल टैंक्स ऑफ अपना पिकॉक बैसेस, जो भी वेराइटीज आता है, एंड इंडिविजुअल टैंक ऑफ गोल्डन डोराडोस. क्योंकि ये ग्रीनरी के अंदर बहुत सुपीरियर फिश दिखता है. इट्स अ रिवर, अमेजोन रिवर फिश. इसका भी स्ट्रेंथ इट्स ऑलमोस्ट लाइक पिकॉक बास. पिकॉक बास जैसा जो मतलब आप टैंक के अंदर जैसे नेट डालोगे तो पूरा टैंक का पानी बाहर फेंक देता है, जी जी. वैसा ही है. दिस इज वेरी थंडर, बहुत ही फास्ट, बहुत ही एग्रेसिव, एंड उसका शाइन इट्स लाइक गोल्डन. जो एवरेस्ट फिश होता है ना, जी जी, एग्जैक्टली दैट इज गोल्डन डोराडो. यहाँ पर नीचे है अगली मॉन्स्टर फिश, ये कौन सी है? दिस इज ब्रीडिंग पेयर ऑफ पिकॉक बास इक्विटी ब्लू. ओके, इसका पेयर है उसका. अच्छा, ये राइट से जो आया अभी ये वाला. यस, ओ इसका शाइन अलग ही. दिस इज अलग ही. पिकॉक बास के अंदर एक वैरायटी चाहिए था मुझे, तो ये एक बड़ा से इसका पेयर था प्रॉपरली. ओके, वो है उसके अंदर. पिकॉक बास में गोल्डन स्पाइडर कैलबेरी का एक पीस है लेफ्ट साइड पे. ओके, वहां पर है. यस जी, गोल्डन स्पाइडर कैलबेरी है वो. यस, एक जो सेंटर में दैट इज हाइब्रिड, वो मुझे एक्चुअली हम लोग गेस कर रहे कि क्योंकि इसको पिकॉक बास के अंदर एग्जैक्टली हॉबीज को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा हम लोग सीधा बोलते कि वी आर अंडर नॉलेज, कि हम लोग इसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बिकॉज ये अलग ही फिश है. ऑलराइट, सो बहुत सारी अमेजिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की दीपेश भाई ने इन मॉन्स्टर्स के रिगार्डिंग. सो ऑफिस में वीडियो जब भी हम शूट करते हैं तो फीडिंग ज़रूर दिखाते हैं, तो क्योंकि मॉन्स्टर फिश टैंक है तो फीडिंग तो बनती ही बनती है. तो क्या फीडिंग आप दिखाओगे दीपेश भाई हमको? मैं आपको अभी शुक्रम्स का दिखाता हूँ. ओके, श्योर.
राइट, सो योर गोज द फीडिंग ऑफ लाइव सुपरवर्म्स। ये देखिए कितने सुपरवर्म्स डाले और सारे झपट पड़े उनके ऊपर। ऑल राइट, फीडिंग के बारे में बताना चाहेंगे कितने सुपरवर्म्स डालते हैं, इसके अलावा आप क्या फीड करते हो, कितने टाइम डालते हो, हर एक फिश को कितना क्वांटिटी में खाना लगता है। देखिए ये स्पेसिफिक ये टैंक है ना, इसके अंदर दिन में 100 से 150 सुपरवर्म्स जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम उसके बाद उनको प्रॉन्स जाता है, प्रॉन्स के अलावा वी गिव देम बिग सेज, जो डेटनॉइड है उसको हम लोग बिग सेज का गोल्डफिश प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज कैसे उसका हंगर बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो मैं उसको डेफिनेटली उसको हैवी फिश ही देता, उसको प्रोवाइड करता हूँ। ओके, ये देखिए सुपरवर्म को किस तरह से पकड़ के रखा है इस गार ने। ऑलराइट, तो और क्या बताना चाहेंगे, साइफनिंग कैसे करते हो, मेंटेनेंस कैसे करते हो? इसका मेंटेनेंस में तो इसका सम के ऊपर उसका पूरा रिलायबिलिटी है। अच्छा, सम पे उसके अंदर कैनिस्टर है हाइम का एंड मीडियाज है उसके अंदर, हम लोग उसका एटलीस्ट वीकली 10-20% इसका साइफन करते हैं एंड मेन इसका बैक्टीरिया है। सो लाइव सुपरवर्म्स की फीडिंग हो गई, इन्होंने सारे सुपरवर्म्स को खत्म कर दिया। अब हम लोग आपको दिखाएंगे गोल्डफिश की फीडिंग, बट नॉर्मल कॉमन गोल्डफिश नहीं, इनको खिलाने वाले ओरेंडा गोल्डफिश। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो लोग फीडिंग देख नहीं सकते लाइव फीडिंग गोल्डफिश की, तो कृपया स्किप कर दीजिए वीडियो को, थैंक यू। वो देखिए ओरेंडा, पिकॉक बास ने खा लिया, ये देखिए। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट ओरेंडा। सेकेंड इज ऑल्सो गॉन। देखिए सीएमएस ने खाली झटके से, ऑसम awesome।